तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान के रंग BRV के संग का एपिसोड 4, स्पॉन्सर्ड बाय होंडा पाकिस्तान। सो दिन की शुरुआत की हमने अच्छे से ब्रेकफास्ट के साथ, और मैंने तो पिज्जा भी खाया। सो आज हम लोग निकलेंगे बहावलपुर से। सबसे पहले तो जा रहे हैं नूर महल, और नूर महल के बाद बहावलपुर के जो मेन एरियाज है ना वो कवर करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा होगा मुल्तान में। सो बहावलपुर का पिछली दफ़ा भी मैं आया था कार शो पे, तो बड़े सारे लोगों से मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो बहावलपुर वैसे ही मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तो आज इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं कौन कौन सी जगह पर जाते हैं। सबसे पहले तो जाएंगे नूर महल, और बाकी के लिए स्टे ट्यून्ड। और फिर हमने बहावलपुर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। यहाँ पे भी काफ़ी सारे गेट्स हैं जैसे लाहौर में हैं, और यहाँ का आर्किटेक्चर भी देखने वाला है। और फिर रास्ते में जाते जाते हमें काफ़ी ज़्यादा वॉल आर्ट मिला, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनी हुई थी। मैं तो फैन हूँ आर्ट्स का, और मेरे लिए ये बहुत दिलचस्प था। और जैसे ही नूर महल के पास पहुंचने लगे, एक और अच्छा स्पॉट मिला, और यहाँ तो रुकना बनता था। और रुक के तस्वीर लेनी बहुत ज़रूरी थी। और इसी के साथ हम पहुंच गए नूर महल। यहाँ पे पहले ग्राउंड स्टार्ट होता है। हाँ जी दोस्तों, तो हम आ गए हैं नूर महल के पास बहावलपुर में। वैसे तो बहुत सारी जगह देखने को, लेकिन सबसे पहला स्पॉट जो है ना हमने ये चूज़ किया। और अभी इस गार्डन को अगर आप देखें, गार्डन कह लें पार्क कह लें, बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। तो ये देखें, यहाँ से ये पूरा ट्रैक बना हुआ है, और ट्रैक के साथ साथ ये ग्रास देखें आप, इतना प्यारा इसका कलर लग रहा है, और इतना प्यारा सीन बन रहा है। वो देखें, मोर है अंदर, मोर के अलावा गजेबो बने हुए हैं। उसके अलावा इधर मज़े की बात ये है कि जनरल पब्लिक जो है ना इधर आके बहुत इन्जॉय कर रही है, बच्चे वगैरह आए हुए हैं। और यहाँ से आगे कैमरा अलाउड नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से ये वाली फुटेज मैंने DSLR से बनाई। सो दोस्तों, ये है हमारा नूर महल बहावलपुर का, और आगे वीडियोस लेने से हमें मना कर दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ फोटोज़ मैंने ले ली थी। और जिन लोगों का हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा था, उनकी तस्वीरें अंदर जाके देखी। ये कुछ स्टैम्प्स वगैरह, कॉइन्स और बाकी चीज़ें। और दोस्तों, उसके बाद हम निकले बहावलपुर सेंट्रल लाइब्रेरी, और यहाँ एक पुरानी गाड़ी फोर्ड वुडी वैगन खड़ी थी, और ये गाड़ी लकड़ी की बनी हुई है, और ये गाड़ी आज भी बड़ी अच्छी हालत में खड़ी हुई, और साथ ये ट्रेन भी। सो आप देखें पुराने जमाने में कैसी गाड़ियाँ होती थी। और अब आज की लेटेस्ट गाड़ियाँ देखें, जो ना सिर्फ परफॉर्मेंस वाइज बेहतर हैं, बल्कि ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी और कंफर्ट वाइज भी कई गुना ज़्यादा बेहतर हैं। जैसे कि हमारी BRV, जिसको आप लॉन्ग रूट पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि ऑल ट्रेन व्हीकल है। और फिर बहावलपुर की छोटी रोड्स को छोड़ के हम निकले बड़ी रोड्स के ऊपर, और यहाँ बहावलपुर में ग्रीनरी काफ़ी है, सो काफ़ी प्लेजेंट व्यूज थे। और यहाँ पे हमें नज़र आया बहावलपुर का फेमस ब्रिज, एम्प्रेस ब्रिज, जो कि ब्रिटिश दौर में बना था। लेकिन यहाँ पे रिवर सतलज का पानी भी काफ़ी कम था। और ये बात तो है कि यहाँ पे कोई बीच नहीं है, कोई वॉल्केनोज नहीं है,
कोई डेजर्ट नहीं है, लेकिन हर जगह की एक अपनी खूबसूरती होती है और बहावलपुर अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस और अपने खाने की वजह से जाना जाता है। और ग्रीनरी कैसे भूल सकते हैं, जो कि बहावलपुर में हर तरफ है। और जाते जाते ही हमें कॉर्न फील्ड मिली जहाँ पे रुकना बनता था। ये जली क्यों हो गया? जली हुई फसल देख के मैं भी हैरान हो गया, लेकिन फिर पता चला कि इसको इसलिए जलाया जाता है ताकि उठाना आसान हो और फसल के लिए भी अच्छा होता है। और इसी के साथ हम पहुंचे मुल्तान हाईवे पे। और पंजाब के हाईवेज पे तो ट्रैवल करने का अपना ही एक्सपीरियंस है। स्मूथ रोड्स विदाउट एनी ट्रैफिक, आराम से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। सो ये देखें पाकिस्तान के रंग बीआरवी के संग। कहीं पे पक्की रोड थी और कहीं पे कच्ची, लेकिन कच्ची पे भी हम बड़े कंफर्टेबल तरीके से जाते थे। और देखते ही देखते हम पहुंच गए मुल्तान। मुल्तान भी किसी दूसरे शहर से कम नहीं है, यहाँ की भी एक अपनी खूबसूरती है। और फिर हम पहुंचे होंडा मोटर्स मुल्तान। यहाँ हमने खाया तो बहुत कुछ था, लेकिन दिखाने वाली ये चीज है सोन हलवा, मुल्तान की सौगात। और फिर हम निकले मुल्तान की गलियों में। यहां भी काफी ज्यादा वॉल आर्ट देखने को मिला। और कोई भी मुल्क हो, वहां के आर्टिस्ट ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें अपने आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए ताकि वो हमारे मुल्क की बेहतर इमेज को दिखा सकें। सो भाई, हमने फैसलाबाद में घंटाघर तो देखा था, सो यहाँ पे मुल्तान पे भी एक घंटाघर है। ये देख सकते हैं कहाँ पे वो रहा, और ये इसके इर्द गिर्द जिस तरह हमारा लाहौर में बादशाही मस्जिद है ना, ये उस तरह का एरिया है। आइए मैं आपको चेक कराता हूँ इधर क्या क्या है। सबसे पहले तो आप बच्चे के मूव्स चेक करें। और हम जहाँ पे भी जाते थे लोग मुड़ मुड़ के हमारी गाड़ियों को देखते थे। और फिर थोड़ी देर अलग से जाके मैंने मुल्तान का सनसेट देखा, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और फिर हम निकले होटल की तरफ, क्योंकि रेस्ट करना जरूरी था। और होटल की थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ आपको। और अगर आप पाकिस्तान में ट्रैवल करना चाहते हैं तो इधर भी बहुत अच्छे होटल्स मौजूद हैं जहाँ हर किस्म की फैसिलिटीज हैं। और जैसे कि ट्रिप होंडा की तरफ से स्पॉन्सर्ड था, सो हमारे खाने पीने का और रहने का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता था। और रेस्ट करने के बाद जब फ्रेश होके हम बाहर निकले तो कुछ दोस्त वेलकम करने के लिए ऑलरेडी मौजूद थे।
वैसे तो हम कहीं पे भी जाते थे तो लोग ऑलरेडी वहाँ पे हमारा वेलकम करने के लिए मौजूद होते थे। सो इधर मुल्तान में भी ठीक ऐसा ही हुआ। लोग अपनी हैवी बाइक्स और स्पोर्ट्स कार लेके आते थे हमें वेलकम करने के लिए। और इस तरह हर शहर से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। स्पेशली जब हम डिनर करने जाते थे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे हमें वेलकम करने के लिए। और मुल्तान में जो पिज़्ज़ा था, डिनर का मज़ा आ गया। और फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह उठ के अच्छा सा नाश्ता किया और उसके बाद गाड़ी में सामान डाल के रेडी हुए। और BRV 7-सीटर है, लगेज रखने की तो प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। अच्छा जी, तो अब हम रेडी हो गए हैं मुल्तान से रवाना होने के लिए। आज हमने पहुंचना है लाहौर, लेकिन लाहौर जाने से पहले ना एक चीज़ रह गई है भाई। मुल्तान आए और आपने सोन हलवा नहीं खाया तो फिर मुल्तान आने का फ़ायदा? तो दिखा तो मैं आपको चुका हूँ, लेकिन अभी हम एक और जगह जाएंगे जहाँ पे होपफुली ये वीडियो बनेगी कि सोन हलवा बनता कैसे है। अच्छा क्वेश्चन, ये सारी हाफिज हलवे बना रहे हैं? सारी असली भी हैं। वाह, सारे असली, सारे हाफिज सोन हलवा। इधर तो सारे ही हाफिज हैं, सब हाफिज हैं। तो इन्होंने नंबरिंग की हुई है, हाफिज 101, हाफिज 102। अलग अलग हाफिज हैं। इसका मतलब 105, 104 और भी हाफिज करने होंगे। ये 95 है। ये कौन सा? ये 301 है। ये 301 है। इससे पहले भी है, उससे पहले 310 है। 310 हाफिज है भाई। अच्छा, ये दुकान नंबर तो नहीं है? पता नहीं, शायद पता नहीं। हाँ, तो अभी हम ये एक शॉप पे आए हैं और यहाँ पे सारे मुख्तलिफ वैरायटी में सोन हलवे पड़े हुए हैं। सो यहाँ पे जो सेल्समैन है उनसे आके पूछते हैं, थोड़ा सा हमें बताएं, गाइड करें कि कौन कौन सी किस्म का हलवा होता है। अच्छा भाई, थोड़ा सा बताएं ये कौन कौन सा हमारे पास पड़ा हुआ है? ये सारी वैरायटी है, ये डबल काजू है, अंदर भी काजू मिक्स है, ऊपर भी टॉपिंग की हुई है। अच्छा, ये डबल अखरोट है, अंदर पकाते हुए मिक्स है, ऊपर भी पिस्ता बादाम अखरोट टॉपिंग की हुई है। अच्छा, ये सिंगल अखरोट है, इसके ऊपर पिस्ता बादाम अखरोट है, अंदर मिक्स कोई चीज़ नहीं। अच्छा, मिक्स कोई चीज़ नहीं। ये मुल्तान की तो मशहूर, ये तो डिफरेंट वैरायटी आ गई ना, वैरायटी में से आप कह लेंगे जो टॉप बेस एक ही है हलवे की, ड्राई फ्रूट की मुख्तलिफ मिक्सिंग की। अच्छा, नीचे बेस एक, हाँ, बेस हलवे की एक ही है, टॉपिंग ऊपर डिफरेंट। बेसिकली जब हलवा बनाते हैं तो वो एक ही होता है, बिल्कुल प्योर खालिस होता है। हाँ जी, उसके बाद मिक्सिंग ड्राई फ्रूट मुख्तलिफ उसके बाद। अच्छा अच्छा, तो ये जो हलवा होता है ये सिर्फ मुल्तान में ही मिलता है या बाकी शहरों में भी? इस टाइम तो मुल्तान की मशहूर सौगात में से यही है। इसकी वजह क्या है? पंजाब, वजह क्या है सर? ये वजह तो मैं आपको क्या बताऊं, ये बेसिकली जो सोहन था ये एक सिख आदमी था, जब पार्टीशन नहीं हुई थी ये उसके नाम से, उसने बेसिकली बनाया था उसके नाम से, सोहन उसका नाम था। अच्छा, सोहन हलवा उसने जब हलवा बनाया तो ये सोहन हलवा उसके नाम से मशहूर हो गया। ये वाले प्योर हलवे हैं, सोन हलवा नहीं है। अच्छा, तो ये जो है इसके अंदर भी टॉपिंग हुई भी है? इसके ये बेसिकली बनते हैं खोए के अंदर मिक्स करके। अच्छा, खोए और बर्फी को मिक्स करके अंदर इसके जो जो बादाम है, ये बादाम को आते हैं। हाँ जी, ऊपर भी बादाम की टॉपिंग की गई है। हाँ जी, ये ऐसे सेम ऐसे ही खजूर बनाया गया, अंदर भी खजूर मिक्स, ऊपर भी टॉपिंग की गई है। अच्छा, सेम ऐसे काजू बनाया हुआ है, ऊपर भी है और अंदर भी काजू मिक्स, और सेम ऐसे अंजीर है, अंदर भी अंजीर मिक्स है, ऊपर भी टॉपिंग की गई है। अच्छा अच्छा, ये बर्फी है, ये बर्फी है, ये काजू का हलवा है और हम तक करके वो तो खा नहीं सकते ना, हम नहीं, हम हाँ वही। आप चेक किए बगैर कैसे ले सकते हैं? तो थोड़ा थोड़ा चेक करें, चेक क्या करेंगे ना, पता चलेगा कौन सा करी करते हैं। और आप देखें, हाँ जी, आप देखें और आपको भी मजा आएगा देखने में। ये खजूर का है, ये काजू का है, ये अंजीर का है, बस दोस्तों मजा नहीं आ रहा है यकीन है।
आपका भी यकीनन यही हाल हो रहा होगा। चेक कर ये सारा ही चेक करने ऐसे करना मिस्टर होंडा। चलो जी सारे चेक करते हैं। काजू ये काजू काजू का बढ़िया जी खाने लगे हैं। कमाल हो गया। ये भाई यहाँ की सौगात है। अगर मुल्तान आए हो सोन हलवा नहीं खाया तो फिर मुल्तान आने का फायदा भाई। कमाल हो गया। अच्छा जी मैंने एक ही खाया ये बादाम वाला, यही वाला लेके जाएंगे भाई। एक बादाम वाला कर देना मुझे। चले भाईजान बहुत शुक्रिया हमें बताने का। थैंक यू सो मच। सो ये मैंने आपको दिखा दिया सोन हलवा। बेसिकली ये पूरी जो स्ट्रीट है यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स हैं और बहुत सारी शॉप्स में जो है ना ये सोन वाला हलवा मिलता है। और लेकिन ये कि सारे हाफिज़ हैं कि नहीं हैं, नंबर लगाए हुए हैं, पर उसका मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि इन शॉर्ट मुल्तान का जो सोन हलवा है ना वो पूरे पाकिस्तान में कंसिडर किया जाता है बेस्ट। और यही हमारी किस्में थी। और सिर्फ टॉपिंग का फ़र्क होता है, अंदर बेसिकली जो मटेरियल होता है वो सेम ही होता है। सो अब हमने ये देख लिया, अब हम सीधा रवाना होंगे लाहौर के लिए। अब नेक्स्ट स्टॉप और कुछ भी नहीं है। सो चलो लाहौर के लिए रवाना होते हैं। और फिर दोस्तों हम रवाना हुए लाहौर के लिए। मुल्तान को भी एक्सप्लोर करने का बहुत मजा आया। बहुत ही प्यारा शहर है, खूबसूरत इमारतें, साफ सुथरी रोड्स और यहां पे भी मेट्रो बस है। और ये रही यहां की मेट्रो बस। और फिर रास्ते में एक और जगह रुके, पंजाब की अपनी खूबसूरती है। यहाँ की हरियाली देख के तबीयत खुश हो जाती है। धूप तो काफी थी लेकिन गाड़ी का ऐसी उतना ही चिल्ड, तो गर्मी इतनी महसूस नहीं हुई। सो दोस्तों अभी हम आ गए हैं एक बाग में जहाँ पे काफी सारी चीजें लगी हुई हैं। ये आप अगर देखें तो ये तो आम लगे हुए हैं। उसके अलावा ढूंढते हैं क्या लगा हुआ है। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो सामने दिख रही है वो ये तितलियाँ हैं। तितलियाँ बहुत सारी हैं इधर, ये देखें हर जगह पे तितलियाँ ही तितलियाँ और डिफरेंट किस्म की हैं। ये देखें कुछ आम नीचे भी गिरे हुए हैं। पूरा जो ये ड्राइववे बना हुआ है ना इर्द गिर्द सारे पौधों के ऊपर तितलियाँ ही तितलियाँ। इतनी तितलियाँ मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। सो यार ये देखें ये हैं पंजाब के रंग। और जब भी आप नेचर के करीब होते हैं तो बहुत ही एक अच्छी फीलिंग होती है। सो यहाँ के जो पौधे हैं ना उनको देख के अलहदा ही। और ये ठंडी छाँव में जो हवा चल रही है ना, हवा जो है ना यार पंजाब क्या बात है। और फिर हम निकले साहिवाल के लिए। और रास्ते में पेड़े भी थे। और दोस्तों ये है साहिवाल कोल पावर प्लांट। सो अभी हम पहुंच गए हैं साहिवाल और यहाँ पे जरा रुकेंगे होंडा के शोरूम पे।
और गाड़ियाँ वगैरह ज़रा ये कि एयर फिल्टर वगैरह चेंज करेंगे और थोड़ी सी सर्विस होगी और ढोल पे डांस भी करेंगे। और ये हैं यूट्यूबर द ग्रेट मोहम्मद अली। आगे ढोल बाज रहा है, जैसे बारात नहीं आती, बारात आती है तो ढोल बजता है ऐसे ही। चेक तो दोस्तों ये था हमारा एपिसोड 4। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट एपिसोड में हम जाएंगे लाहौर, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।